हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तहज़ीब ज़हरा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही सिंपल और यूनिक डिज़ाइन, क्योंकि इसमें हम एक नॉर्मल कपड़े पे पतली सी लेस और बटन से देंगे एक बहुत ही प्यारा सा लुक। और ये लुक कैसे देंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालती रहूँगी। पसंद आए तो लाइक करें, कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने बकरम को कपड़े पे पैच कर लिया है, छोटे छोटे टकट जैसे नॉर्मली लगाती हूँ मैं। आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे टैप करके। तो सारे कपड़े को हम घुमाते हुए राउंड अप करते हुए एक स्टिच इसके ऊपर बकरम के ऊपर चला लेंगे। धीरे धीरे चलाएँगे ताकि कपड़े की राउंड अप में कोई प्रॉब्लम ना हो, और बहुत स्लो स्लो कपड़ा रखते जाएँगे और उसके ऊपर स्टिच करते जाएँगे। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से थोड़ा सा निक डीप ली है। इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे, उसके बाद एक और बार मशीन को फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, सीधा सिलते हुए एंड तक लाके हम इसको फिर से एक बार घुमाएंगे, और ये लास्ट एंड पे लाके हम इसको फिर गोलाई से घुमा लेंगे। अब इसको कर लेते हैं कट। देखिए निक तैयार है, अब इसको हम कपड़े पे पैच करेंगे, लेकिन उससे पहले फोल्ड करके बीच में एक छोटा कट लगा लेंगे। इससे ये होता है कि जब हम कपड़े को जंपर पे पैच करते हैं तो हमको उसको लगाने में आसानी होती है, हमको एग्जैक्ट बीच का कपड़ा मिल जाता है, इसलिए छोटा सा कट लगा लेते हैं। और अब जंपर में भी इसी तरह छोटा सा कट लगा लेंगे, ताकि ये दोनों क्रॉस स्टेबल आए और एक ऊपर एक रख के सिल सकें। सबसे पहले जंपर को ओपन कर लेंगे, इसके ऊपर हमने जो गला तैयार किया था उसको रखेंगे और बीच में एक सिलाई कर देंगे ताकि ये कपड़ा इसके ऊपर स्टेबल हो जाए। फिर अपनी गोल स्टिच करेंगे। तो देखिए ये तो हो गया है, कर लेते हैं कट यहाँ पर हम, और इसको निकाल लेते हैं। और अब इसके चारों तरफ हम गोलाई से सिल लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से अंदर घुमाते हुए, क्योंकि हमको बीच से इसमें कट देना है एक शेप, तो इसको घुमाते हुए सिल लेंगे। उसके बाद हम गोलाई सिलेंगे। तो ये देखिए हमारा गला भी कंप्लीट है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कट, और कट करने के बाद गोलाई से कट करके निकाल लेंगे। बहुत धीरे धीरे आराम से कट करेंगे, क्योंकि अगर ज़रा तेज़ कैच चलाएंगे तो कपड़ा कट भी सकता है, इसलिए बहुत गोलाई से कपड़ा काटेंगे। पहले बीच में स्ट्रेट कट कर लेंगे, क्योंकि बहुत महीन सिलाई की हम लोगों ने। और एक कट इधर और एक कट इस तरफ छोटा सा, और नॉर्मल जैसे बीच बीच में हम लोग एक एक इंची भी कट लगाते हैं, ज़रा ज़रा सा ज़रा सा कट लगाएंगे ताकि हमको पलटने में कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम, कट तो मेरा हो गया है, एक और कट यहाँ मार लेते हैं, उसके बाद चलिए इसको हम पलट लेते हैं। और पलटने के बाद ध्यान दीजिए कि बहुत किनारे स्टिच करेंगे, ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं करेंगे। और अगर कपड़ा आपका मोटा पड़ रहा है तो आप बकरम का यूज़ ना भी करें, लेकिन बकरम के यूज़ से गले का शेप अच्छा आता है। ये तो हो गया है, और अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर कट, ठीक है। देखिए इसको कट कर लिया, और हमारा नेक तो बन के तैयार है, लेकिन अब हम इस पर लेस पैच करेंगे। और लेस को किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम सबसे पहले इंची टेप लेंगे और इसको इसके ऊपर रख के देखेंगे, ठीक है। आपको जितना डीप चाहिए, मैं 9 इंचेस ले रही हूँ, आप चाहे तो इससे ज़्यादा लंबा भी बना सकते हैं। और 9 इंचेस का जहाँ पे निशान आया था एग्जैक्टली वहीं पे रखेंगे हम, और वहाँ से 1 इंच इधर और 1 इंच उधर, टोटल 2 इंचेस का हम एक निशान लगाएंगे। एक लाइन हम बीच में हल्का सा सिर्फ टिक देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंड आएगा, ठीक है। दोनों तरफ एक एक लाइन खींच लेते हैं जहाँ पे हमने निशान लगाया था, जहाँ तक ऊपर 1/2 इंचेस छोड़ते हुए मैंने निशान लगाया है, और बहुत हल्का निशान लगाया क्योंकि कपड़ा हल्का है मेरा।
अगर आपके पास डार्क प्रिंट है तो आप डार्क प्रिंट भी चॉकलेट लगा सकते हैं, ठीक है। इधर भी मैंने निशान लगा दिया, ये देखिए। और अब मैंने जो बीच में निशान लगाया था वहीं से 1.5 इंची पे एक इस निशान इधर और एक निशान उधर में लगा लूँगी, ठीक है, जिससे ऐसा टाई मुझे लुक मिल जाए और उस पर हम लेस पैच करें। ये देखिए ये हो गया। और मैं नेक की चारों तरफ भी 1/2 इंचेस का निशान लगाएंगे ताकि मुझे बेल घुमाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं डायरेक्ट या बिना निशान लगाए भी लगाया जाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती तो ड्राफ्टिंग आप पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 1/2 इंचेस पर ड्राफ्टिंग कर लें ज़्यादा बेहतर आएगा लुक। मैं तो इंची टेप की हेल्प से उसी के निशान पे एक ज़रा ज़रा सा लगा लिया निशान। चलिए ये तो देखिए मेरा हो गया है। और अब हम इस पर लेस पैच करेंगे। मैंने ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं ली, बहुत पतली लेस ली और कॉम्बिनेशन में ली येलो कॉम्बिनेशन पे सिल्वर, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और सुपर कलर आ रहा है। तो आप भी इसी तरह से गर्मियों में अच्छे अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट कलर लीजिए और उस पर ये लेस ऐड कीजिए और इसी तरह से बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश कुर्ता खुद का तैयार कीजिए। यहाँ से हम इसको धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। ये देखिए मशीन बहुत धीमे चलाएंगे और एग्जैक्टली यहाँ से इसको फोल्ड करके अभी स्ट्रेट सिलेंगे, ठीक है, जहाँ तक हमने निशान लगाया था। एक लाइन स्ट्रेट सिल लेते हैं। और ये देखिए यहीं से हमने थोड़ा सा टर्न का निशान लगाया था। हम यहाँ पे अपनी टाई का यानी वी का लुक देंगे, तो यहीं से हम थोड़ा सा स्ट्रेट ना करके वी की शेप में स्टिच करेंगे, ये देखिए। और एंड पे आके जस्ट यहीं से हम इसको पैक करेंगे। बहुत आराम से करिएगा ताकि कपड़े में बीच में सिकुड़न ना आए और बहुत फ्रेश लुक आए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक पलट के स्टिच करते हैं और हमारा वी का शेप कंप्लीट होने पे हम फिर इसको स्ट्रेट लगाएंगे। तो मेरी निक तो बनकर तैयार है। आपको ये कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियोस का वेट करते रहें। थैंक यू। हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, अब हम इसको राउंड करेंगे धीमे धीमे। देखिए बहुत आराम से करिएगा वरना आपका शेप ख़राब हो जाएगा और लेस ठीक से पैच नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए ये हो गया है और इसमें मैं बटन भी लगाऊंगी सिल्वर कलर का। ये हो गया, इसको कर लेते हैं कट। ये देखिए हमारी नेक तो बनकर तैयार है, लेकिन अब मैं इसमें बटन पैच करूंगी यहाँ पर। ये देखिए मैंने सिल्वर बटन पहले ही बनवा लिया। आप इस तरह के बटन बाजार से इजीली बनवा सकते हैं। निशान लग रहे थे यहाँ पे और उसी निशान पे हम बटन को टाकेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी कुर्ती तैयार कैसी हुई है।